What a wonderful world. What a wonderful world. तक लिखा है वो भी मैंने आप ही को सिर्फ रिवील किया, अभी तक किसी को मैंने बताया नहीं है। वाओ, ब्रेकिंग न्यूज़। हां वो स्टोरी मैंने खुद लिखी है वर्ड बाय वर्ड, और बहुत अच्छा ड्रामा है इंशाल्लाह। मैं सोच सारा के लिए मैं सब लोगों को, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, जो जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, मैं पर्सनली सारा को जानता हूं। शी इज वंडरफुल। स्माइल भी सारा को सब्सक्राइब करें, ऊपर एक प्यारा सा बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि वो दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगी। तो फुल सपोर्ट करें और इस चैनल को, स्माइल भी सारा को, मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्माइल करा के ऊपर पहुंचाएं। टेक ऑफ करें चैनल को। थैंक यू। सो सब कुछ है पर किसकी कमी है? आई थिंक लाइक कुछ होता है, यू लैक दैट थिंग। सोचना पड़ेगा, आपने काफी तैयारी करके आई है आप। नहीं नहीं, मैं आपकी तरह आमद हो रही है, ये ऊपर से आमद हो रही है। जितने नए यूट्यूबर्स हैं उनको मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि सब्सक्राइबर्स के पीछे ना भागो, अपना फोकस, अपना ध्यान अपने कंटेंट पे रखो। कंटेंट अच्छा होगा तो सब्सक्राइबर्स खुद बहुत आ जाएंगे। तो आपका मैं देख रही थी, आप कहते हैं कि नीली बैकबोन है आपके उसमें, तो क्या बिल्कुल, कहेंगे बिल्कुल, आप? बिल्कुल। बैकबोन से ज्यादा है, बैकबोन तो मतलब मेरे सब कुछ ही वो है। अरे माशाल्लाह। सो लेट मी कांग्रेचुलेट यू फॉर योर चैनल। मैंने आपका चैनल देखा है, आपकी मैंने कुछ वीडियोस भी देखी हैं, और माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा काम है, और आप बहुत अच्छे, आप यू आर वेरी गुड प्रेजेंटर। और आपकी सबसे अच्छी मुझे बात लगती है आपके चैनल का नाम, स्माइल विद सारा। नोटिफिकेशन बेल, वो इसलिए मैं कहती हूँ बार बार कि जब इतने जबरदस्त गेस्ट आएंगे तो आप उन्हें मिस ना कर डालें। जी हाँ, और अपने जो डिस्टेंस है वो मेंटेन कर रहे होंगे 6 feet का। बेशक सब कुछ खुल गया है पाकिस्तान में, मैंने सुना है, लेकिन प्लीज स्टे सेफ। बीमारी कहीं नहीं गई है, इधर ही मौजूद है, आपको सेफ्टी का ख्याल खुद रखना है। अच्छा जी, अब आज के गेस्ट की क्या बात बताऊं आपको, मेरा ख्याल है कि कोई ही डोंट रिक्वायर एनी यू नो इंट्रोडक्शन, बिकॉज ही इज सो पॉपुलर, लोग इन्हें इतना प्यार करते हैं, इंटरनेट सेंसेशन है, मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके सोशल मीडिया पे माशाल्लाह, और उसके अलावा ये अपनी वाइफ, चार्मिंग वाइफ के साथ हमें नजर आते रहते हैं यूट्यूब पे, छाए हुए हैं हर तरफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत खुश हूँ कि मैं आपने मुझे चांस दिया अपने चैनल पे आने का। नहीं, नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। नहीं नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम। बिफोर यू स्टार्ट, लेट मी कांग्रेचुलेट यू फॉर योर चैनल। मैंने आपका चैनल देखा है, आपकी मैंने कुछ वीडियोस भी देखी है, और माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा काम है, और आप बहुत अच्छे, आप यू आर वेरी गुड प्रेजेंटर। और आपकी जो सबसे अच्छी मुझे बात लगती है आपके चैनल का नाम, स्माइल विद सारा। आजकल के जमाने में स्पेशली इस साल आपको पता है बहुत कम रीजन मिल रहे लोगों को स्माइल करने के। वेरी वेल डन, आप जो कर रही हैं आप, बहुत शुक्रिया, रियली मींस अ लॉट, बहुत शुक्रिया आपका। और आप भी छाए हुए हैं माशाल्लाह, मेरा ख्याल है इंडिया हो, पाकिस्तान हो, यूके, यूएसए, ओजी राज और नीली, क्या बात है माशाल्लाह। तो चले आपके बचपन से हम स्टार्ट लेते हैं, जरा पहले जाते हैं, अभी दूर नहीं है, आप अभी भी करीब करीब ही है हम लोग बचपन के, तो कहाँ पैदा हुए, कहाँ ब्रॉट अप हुआ, व्हाट वाज योर जर्नी? मेरी काफी लंबी स्टोरी है। अच्छा, तो मैं मैनचेस्टर में पैदा हुआ, और उसके बाद फिर काफी ट्रेवल किया मेरी फैमिली ने, कभी प्रेस्टन मूव हुए, कभी ल्यूटन मूव हुए, फिर मैं कुछ साल पाकिस्तान भी रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी उर्दू इतनी अच्छी है। अच्छा। कुछ पाँच साल पाकिस्तान भी रहा था जेलम में, उसके बाद फिर वापस आए, फिर मैनचेस्टर, प्रेस्टन, चोरले, विगन, बहुत जगहों पे रहा हूँ मैं। वाओ। तो ट्रेवल करता रहा हूँ, और अब फिर मूव होने का इरादा है। अच्छा, अब कहाँ जा रहे हैं? अभी कुछ डिसाइड नहीं किया, पर नसी कुछ सोच रहा हूँ। चले, हमारे यूएसए साइड पे भी सोचे आने का।
इंशाल्लाह आप बुलाएं जरूर. बिल्कुल मोस्ट वेलकम जी. मैं सैन फ्रांसिस्को में हूँ, आपको इनवाइट करने की. तो मेरा नहीं ख्याल इतने लोग आपको प्यार करते हैं, आप आएंगे तो खुद ही जमा हो जाएंगे सारे. थैंक यू, इंशाल्लाह जरूर. थैंक यू. तो आप ये बताइए, आपने एजुकेशन कैसे, स्टूडेंट थे आप और क्या फिर बने आप? आपका प्रोफेशन, आप मेरा ख्याल है ग्राफिक डिजाइनर थे राइट? जी ग्राफिक डिजाइनर. मैंने डिप्लोमा किया हुआ है इन बिजनेस. अच्छा. लेकिन उसके बाद फिर मैंने बहुत अर्सा प्रिंटिंग का काम किया है, एज अ प्रिंट रीसेलर ग्राफिक डिजाइनिंग किया, अभी भी करता हूँ. अच्छा. और फिर YouTube स्टार्ट कर दिया आउट ऑफ नोवेयर. अच्छा, हाउ? लाइक क्या बचपन से जिसका लोगों को शौक होता है, जो कुछ बनते हैं प्रेजेंटर, तो बचपन में बैठ जाते हैं लाइव बोलने के, शीशे के आगे शौक होता है, आपको ऐसा था? नहीं, ऐसा शौक नहीं था मुझे. एडिटिंग का हमेशा से शौक था, कुछ. अच्छा. वीडियो क्लिप्स बना देता था कभी कुछ. लेकिन यूट्यूब वाज अनप्लान. मेरे तो दूर दूर तक कोई मेरे खानदान में या मेरी फैमिली में कोई एक्टर नहीं है, कोई शोबिज में नहीं है. अच्छा. कोई रेडियो में नहीं, कोई भी नहीं मेरी फैमिली में. तो मैं से पहला अपने पूरे खानदान में हूँ जो यूट्यूब पे आया हूँ. अच्छा. तो बस आपके सामने ही लक और थोड़ी मेहनत की है काफी यूट्यूब. बहुत मेहनत आपकी वीडियोस, माशाल्लाह इतने जबरदस्त आइडियाज होते हैं. तो आपकी एक होती है ना, एक होते जो लाइफ चेंजिंग वीडियो होती है, वो कौन सी ऐसी वीडियो? आई थिंक सबसे पहली वीडियो, मुझे नहीं पता आपने देखी है, 15 सेकंड की वीडियो थी आइस क्यूब. अच्छा, नाम था. अच्छा. और जिसको सबसे पहली वीडियो थी जो वायरल गई थी और जिसकी वजह से मुझे लगा कि मैं भी कुछ हूँ. इतना लोगों ने काम किया था, तो वो फिर उसकी वजह से फिर मैं बीबीसी पे गया, काफी जगहों पे. बिल्कुल, बीबीसी एशियन नेटवर्क के साथ भी आप रहे हैं ना, तो वो भी आपकी एक एड ऑन है. बिल्कुल बिल्कुल, उसके उनके साथ भी कोलैबोरेशन की थी. अरे वाह, जबरदस्त. तो फिर आपने एजुकेशन हो गए, फिर एक आता है टाइम शादी का, तो फिर लव मैरिज थी या आपकी अरेंज? हमारी, मैं लव मैरिज ही बोलूंगा क्योंकि हमारी बड़ी प्यारी स्टोरी है मेरी और नीली. बताए ना, हमारे साथ शेयर करें. वैसे तो मैं इतनी प्यारी स्टोरी है कि मूवी बन सकती है, काफी लंबी है. तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो मैं पाकिस्तान गया था शादी के सिलसिले में. अच्छा. और फिर मेरे जो पेरेंट्स यहाँ थे, उन्होंने 7-8 मेरा ख्याल है उस टाइम पे, उन्होंने मुझे बताया था कि रिश्ते रखे हुए मेरे लिए. अच्छा. तो बारी बारी सबको देखो और सिलेक्ट करो, इस तरह मुझे उन्होंने कहा था. लेकिन नीली पहली लड़की थी जिसको मिला था, और मैं आई थिंक आधा घंटा या घंटा उसके साथ बैठ के मैंने बातें की, और जिसे कहते हैं ना जस्ट क्लिक. Wow. मैंने स्टेज पे अपनी अम्मी को बोल दिया कि और कहीं नहीं जाना, इसी से शादी करनी है. और बाद में पता चला उसने भी अपने पेरेंट्स को बोला कि मैंने इसी से शादी करनी है. अरे और फिर हम दोनों, मतलब उसके बाद हम पीछे मुड़ के नहीं देखा. कहते हैं ना, हेवन में बने होते हैं जोड़े, तो जी जी आसमानों में बने हुए थे. बस ऐसे को समझे, पर हमें आपको हमेशा लव मैरिज ही बोलते हैं क्योंकि हमारी बहुत प्यारी स्टोरी है. तो फिर आप क्या कहेंगे कि शादी वो लड्डू है जो खाए पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए या नहीं? नहीं नहीं, पछताने की कोई बात नहीं है, तो अपने अपने किस्मत की बात है. नहीं, अच्छे भी होते हैं रिश्ते, लड़का लड़की अच्छे बुरे हर जगह होते हैं. इट्स जस्ट लाइक एक लक होती है, और एक मेरा ख्याल है वो लॉटरी नहीं होती, टिकट निकल आया तो निकल आया, नहीं तो फिर. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पता नहीं निकल आया. बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं इनर ब्यूटी तो आपको नजर आती नहीं है, जो बाहर से देखा हो लेकिन बाद में पता चलता है इंसान का. बिल्कुल माशाल्लाह. सो आपका मैं देख रही थी, आप कहते हैं कि नीली बैकबोन है आपकी, उसमें तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, बैकबोन से ज्यादा है. बैकबोन तो मतलब मेरे सब कुछ ही वो है. अरे माशाल्लाह. उसके बगैर मैं वीडियो कर नहीं सकता, उसके बगैर मैं यूट्यूब नहीं कर सकता. वो भी यही कहती है मेरे बारे में, लेकिन अच्छा. मैं उसको ज्यादा क्रेडिट देता हूँ क्योंकि लड़की के लिए आना बहुत मुश्किल होता है यूट्यूब पे आना. तो वो क्या शुरू में एकदम आ गई थी या वो शायद नहीं, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं. पहले मैंने स्टार्ट किया था. अच्छा. कुछ आई थिंक कुछ 7-8 वीडियो पहले मैंने अकेले बनाई थी, वो भी इंग्लिश में बनाई थी. अच्छा. और फिर एकदम से मैंने सोचा कि चलो उर्दू में स्टार्ट करता हूँ. उर्दू में जब मैंने 4-5 बनाई और फिर कंटेंट खत्म हो गया मेरे पास. कंटेंट मर्द और कई होता है ज्यादा, मियां बीवी का कंटेंट ही बनता है ज्यादा. हाँ जी, बिल्कुल. और फिर मैं बाकी यूट्यूबर्स को देखा था, सबने विग्स पहनी हुई थी, सब लड़कियां बांध रहे थे. बिल्कुल. और मुझे लड़की बनना, मुझे प्रॉब्लम थी. फिर मैं नीली के पास गया, मैंने बोला कि प्लीज मुझे लड़की बनने से बचा लो, यूट्यूब तो मुझे सपोर्ट करो उस पर आके. उसने आई पहले वो घबरा रही थी कि नहीं, क्योंकि मुझे लोग पसंद कर रहे थे पहले पहले कुछ महीनों में. तो वो पहले कहती नहीं मुझसे नहीं होगा. नहीं, मैंने बोला होगा.
और उसके बाद वो एक दफा आई और आपको आप देखो वो मुझसे मच बेटर एक्टिंग करती है. ओह ब्यूटीफुल, क्या जबरदस्त. तो आइडियाज किसके होते हैं वीडियोस में? आइडियाज हम दोनों ही लेके आते हैं. ज्यादातर स्क्रिप्ट राइटिंग मैं ही करता हूँ, लिखता रहता हूँ, हर वक्त लिखता रहता हूँ. उसको कुछ भी आइडिया आ जाए मुझे बता देती है. और कई दफा ऐसा होता है कि दो दो हफ्ते कुछ आइडियाज नहीं आते और अभी थोड़ी देर बैठे हैं तो हमें दो पूरे स्क्रिप्ट मैंने लिख दिए दो वीडियोस के. ऐसा होता है, आ जाता है कुछ. एग्जैक्टली, जब आप यूट्यूब पे कंटेंट जब बना रहे हो, किसी दिन बंदा कहता है नहीं, फिर मैं तो उस दिन काम ही नहीं करती. मैं कहती हूँ आज कुछ नहीं आना, आज बंद करो. इतना आसान नहीं है वीडियोस बनाना, इतना आसान है. लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, वो क्रिटिसाइज बहुत करते हैं इंटरनेट. आपको पता है लोग भी बहुत है, लवर्स भी बहुत ज्यादा है. तो उनको कई लोगों को से मौका चाहिए होता है कि बस इसको बोलो क्रिटिसाइज करने के लिए. लेकिन माशाल्लाह आप फिर भी जब आपको देखो तो आपकी वीडियोस माशाल्लाह मोस्टली बहुत लोग प्यार करते हैं. जी हाँ, ये मैं बोलूंगा, मतलब क्योंकि मेरा कंटेंट फैमिली फ्रेंडली है, बच्चों के लिए ज्यादातर आप देखो बच्चे बहुत ज्यादा देखते हैं. मैं तो मुझे जितने लोग बाहर मिलते हैं उनमें से 8 out of 10 लोग के मेरे पास आके बोलते हैं कि ये नहीं बोलते मैं आपका फैन हूँ, बोलेंगे मेरी बेटी आपकी फैन है, मेरा बेटा आपका फैन है. तो उससे पता चलता है कि बच्चे बहुत ज्यादा, बच्चे बहुत सारे, क्योंकि वो इतना रियलिस्टिक होता है, क्लोज टू यू नो आवर लाइफ जो घर में गुजर रही है, राइट? जी. तो अच्छा आप ये बताएं, आप जाहिर है पॉपुलर होते हैं तो फीमेल फैंस भी आ जाती है, तो नीली का क्या रिएक्शन होता है, वो कैसे हैंडल करती है? अब ये तो ना कहने है. नहीं, होता है, ऐसा होता है, लेकिन क्योंकि हम सबको पता है हम दोनों शादीशुदा हैं. हाँ. तो कभी मुझे उस तरह प्रॉब्लम नहीं है. सब लड़कियां आती हैं, लड़के भी आते हैं, मतलब हर एज के बच्चे आते हैं, ऊपर बूढ़े भी आते हैं. हाँ. लेकिन मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही उसको कोई प्रॉब्लम हुई है इस चीज से. अच्छा, लेकिन क्योंकि सबको पता है इसकी शादी हो चुकी है. और एक और बात भी है, आप यूके में, अगर पाकिस्तान में होते तो एक अलग बात थी, राइट? अच्छा, वो भी हो सकता है, उधर मैं जान हूं. बिल्कुल, because इधर लोग जो है different respect देते हैं. बिल्कुल. तो अच्छा आप ये बताएं, जो अब नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहेंगे? जितने नए यूट्यूबर्स हैं उनको मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि सब्सक्राइबर्स के पीछे ना भागो, अपना फोकस, अपना ध्यान अपने कंटेंट पे रखो. कंटेंट अच्छा होगा तो सब्सक्राइबर्स खुद बहुत आ जाएंगे. जब मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है, वो सब्सक्राइबर्स के चक्कर में फेक आईफोन गिव अवे, फेक प्रैंक्स, क्लिक बेट ऊपर लिख देते हैं, मतलब झूठ लिख देते हैं, पर अंदर कुछ और होता है. ये सब होता है सब्सक्राइबर्स के लिए. उससे क्या होता है, सब्सक्राइबर तो आ जाते हैं लेकिन आपकी वीडियो की क्वालिटी वो डाउन हो जाती है. तो आप मेरी अगर वीडियो में देखो, मैंने आज तक कभी नहीं ऐसे सब्सक्राइबर्स, मैंने कभी गिव अवे नहीं किया, कभी मैंने बोला नहीं है कि मुझे इस तरह सब्सक्राइब करो. हमेशा से वीडियो अच्छी बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ. बिल्कुल, इससे अगर सब्सक्राइब कर दिया तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू करता हूँ सर. नहीं माशाल्लाह, अभी आपको इंडियंस भी देखेंगे इधर, ऑफ कोर्स हमारे और पाकिस्तानी भी फैंस हैं आपके इतने सारे, बल्कि सब आपको देख के खुश होंगे. मेरा ख्याल फर्स्ट टाइम आए हैं ऑन स्क्रीन, राइट? मुझे मैं से हाँ, फर्स्ट टाइम डिजिटल, इससे पहले आती है मुझे इनविटेशन इंटरव्यू के, लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन आपको लंबी लड़कियां, लंबा लड़का लगता है मुझे. मुझे जहाज में भी डर लगता है, मैं हजार दफा बैठ चुका हूँ, तभी जब वो थोड़ा हिलता है मुझे डर लगता है. जहाज में क्या करें, फोबिया होता है, राइट? अच्छा आप बताएं, लॉजिकल है आप या क्रिएटिव है? क्रिएटिव. ओके, सो डू यू रियली थिंक ऑपोजिट अट्रैक्ट्स? इट डिपेंड्स, हो भी सकता है, आई थिंक 50-50 है, हो भी सकता है शादी से पहले, हो सकता है शादी से पहले. हाँ, मेरे लोगों को शादी के बाद भी होता है, पर मैं इतना आगे नहीं जा रहा हूं. नहीं वो नहीं. अच्छा जी आप ये बताइए कि आप किसी सिचुएशन में झूठ बोलना ठीक है? मैं आपने ऐसा मुझे आई थिंक ये झूठ बोलने से सख्त नफरत है मुझे. ये
नीली भी मुझे बोलती है कि उसी आप कई दफा कुछ ज्यादा सच बोल देते हैं लोगों के सामने। मुझे प्रॉब्लम है कि मैं झूठ नहीं बोलता हमेशा सच। ये तो बहुत अच्छा। अगर कुछ ऐसे मैं चीज छुपा दूंगा लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात। मैंने ना बताना तो छुपा दूंगा उसको उस चीज को जो नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन मैं अवॉइड झूठ से अवॉइड करता हूँ। अच्छा एक सुपर पावर आपको मिले उसी, क्या सुपर पावर लेंगे? अच्छा ये तो फिर अपना मतलब सुपरमैन हल्क सब कुछ बन सकते हो? जो सब कुछ सब कुछ जी जी। अच्छा मैं भी उड़ना चाहूंगा, मैं भी सुपरमैन। नहीं नहीं सुपरमैन बनना चाहता हूं। मिल रही है आपको, मिल रही है तो वो क्या है? I think you, अगर मैं फिर रियलिस्टिक जाऊंगा तो यूट्यूबर मैं चाहूंगा कि मेरे मिलियंस एंड मिलियंस सब्सक्राइबर्स हो जाएं और बस अपने सुपर अपने काम करता हूं। मेरा ख्याल है ऑलरेडी आप ज्यादा वीडियोस बनाने की सुपर पावर मिलते हैं। वाओ वेरी नाइस। अच्छा अब एनी रिग्रेट्स? आई थिंक दिस रिग्रेट्स तो होते हैं हर चीज लाइफ, हर बंदे की लाइफ में कुछ ना कुछ रिग्रेट। क्या ऐसा रिग्रेट है जो आप कहते हैं काश ऐसा ना होता? काश ऐसा होता है काश ऐसा ना होता। रिग्रेट तो ना ही हो तो अच्छा। हाँ मेरी दादी के साथ मैंने कुछ इतना ज्यादा टाइम नहीं गुजार सका लाइफ की वजह से, और वो रिसेंटली शी पास्ड अवे कुछ 3 मंथ अगो, तो वो उनकी बस मे बी अब मेरे माइंड में वो आ गया तो उनका नाम ले लेता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे पाला हुआ है। उन्होंने मुझे पाला हुआ है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। तो मे बी 95 की थी, मे बी उनके साथ मैं ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकता, पर आपको पता है लाइफ ऐसी है कि और स्पेशली बाहर अब्रॉड में तो ऐसी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो उसी एक ऐसी हैबिट जो आप चेंज करना चाहते हैं अपनी? मे बी फोन की, वो काफी बुरी आदत है। वो सबको है फोन की आदत। वैसे मैं टीवी वगैरह कुछ भी नहीं देखता तो फोन की आदत। और मे बी मीठा खाना छोड़ दूं थोड़े काम, मीठे की भी बहुत प्रॉब्लम है दिन में। मीठा इज नॉट गुड, पर मुझे मैं काफी अवॉइड करता हूँ। मे बी इसको थोड़ा छोड़ दूं कुछ अच्छे के लिए। बिल्कुल। आपको लोग यूट्यूबर मुझे देखते हैं तो यूट्यूब के मिसाल देता हूँ कि स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता है YouTube स्टार्ट करना, इट्स नॉट इजी एट ऑल। पहला साल वीडियो नहीं चलती थी, नीचे कमेंट्स आते थे कि आप इसकी कॉपी कर रहे हो, आप इसकी कॉपी कर रहे हो, हालांकि कॉपी नहीं होता था वो उस तरह के। तो लोगों के क्रिटिसिज्म को झेल के आगे बढ़ना और फिर इस मुकाम तक पहुंचना। माशा अल्लाह जबरदस्त। सो आपके कितने साल हो चुके हैं चैनल को? माशा अल्लाह अब 4 साल हो गए। माशा अल्लाह वाओ वेरी नाइस। अच्छा बेस्ट थेरेपी आपके लिए क्या है जिससे आप रिलैक्स होते हैं? हर बंदे की एक थेरेपी होती है, किसी की क्या किसी आपकी क्या? मैं रिलैक्स मैं खुद से चाय बना के पीता हूँ। वाओ थोड़ी मूवी लगा लेता हूँ। ये मेरा भी यही है। कभी हॉट चॉकलेट पी लेता हूँ, बस टीवी बहुत है लेकिन कभी कभार ऐसे मूवी लगा लेता हूँ। एग्जैक्टली मुझे थोड़ा सा अकेले टाइम स्पेंड करने का बहुत अच्छा लगता है, तो लॉन्ग टाइम थोड़ा एयरपोर्ट लगा के अपना टाइम स्पेंड करता। अच्छा तो अगर अभी आप टेलीपोर्ट कर सके कहीं जा सके कहाँ जाएंगे इस टाइम पर? पाकिस्तान जाना चाहूंगा। अभी मेरी टिकट बुक थी, टिकट मेरी बुक थी भी रिसेंटली, लेकिन ये कोविड की वजह से नहीं जा सका, तो पाकिस्तान जाना चाहूंगा दोबारा से। पाकिस्तान वाकई में सबका भी हो रहा है कि सब इतने बंद हो के हो गए ना, कहीं भी निकलने का दिल कर रहा है सबका। बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है। अच्छा ओजी के पास सब कुछ है पर फिल इन द ब्लैंक इसकी कमी है। आपके पास सब कुछ है पर किसकी कमी है? आई थिंक लाइक कुछ होता है, यू लैक दैट थिंग। सोचना पड़ेगा, आपने काफी तैयारी करके आई हैं आप। नहीं नहीं मैं आपकी तरह हूँ, आमद हो रही है, ये ऊपर से आमद हो रही है। आई थिंक टीम की कमी है perhaps, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि मेरे पास, मैं खुद ही रिकॉर्ड करता हूँ अपनी वीडियो, खुद ही एडिट करता हूँ, तो आई डोंट हैव अ टीम। तभी तो कोई तीसरा कैरेक्टर नहीं आता, कोई है ही नहीं मेरे टीम। चलिए आप इधर आए तो मैं आपके साथ ज्वाइन कर लूंगी। बिल्कुल आप मेरी बैंड बन के किसी कैरेक्टर में आ सकते। बिल्कुल बिल्कुल आपकी मैं नंद बन जाऊंगी, नीली की और नंदो और भाभी का तो जबरदस्त एक बनेगा।
बेस्ट कॉमेडी होगी है ना, बेस्ट कॉमेडी इंशाल्लाह एक दिन बनाएंगे, मे बी मैं मैनचेस्टर आऊं तो हम इसको बनाएंगे इंशाल्लाह, जरूर जरूर इंशाल्लाह। तो अब ये बताइए, अब बहुत अब सब मजा आ रहा है, लिटरली टाइम का पता ही नहीं चल रहा कैसे फ्लाई कर गया है। आपको स्माइल विद सारा के लिए, आप मेरे चैनल के लिए गुड वर्ड्स। स्माइल विद सारा के लिए मैं सब लोगों को, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, जो जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, मैं पर्सनली सारा को जानता हूँ, शी इज वंडरफुल। स्माइल विद सारा को सब्सक्राइब करें, ऊपर एक प्यारा सा बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि वो दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगी। तो फुल सपोर्ट करें और इस चैनल को, स्माइल विद सारा को, मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्माइल करा के ऊपर पहुंचाएं। थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू। और अपने फैंस जितने ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं उन्हें भी कोई मैसेज दे देते। मैं अपने सारे फैंस को बोलूंगा कि इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें जैसे कि वो हमेशा करते हैं। मैं कभी कंप्लेन नहीं करता अपने फैंस से, अपने फॉलोअर्स से, अपने लवर्स से। थैंक यू सो मच, जिस तरह आप मुझे सपोर्ट करते हैं इसी तरह करते रहें। इंशाल्लाह मैं भी मिलियन टच कर जाऊंगा नेक्स्ट ईयर, कोशिश कर रहा हूं। जस्ट कीप कीप सपोर्टिंग। वो से आप एक्टिंग में नहीं आना चाह रहे, इतने सीरियल्स बनते हैं आपको, बल्कि यासर अख्तर ने तो आपको वो भी की थी लाइक। जी जी बिल्कुल जी, वो लेकिन उस टाइम मेरे पास बहुत थोड़ा था जब उन्होंने मुझे ऑफर किया था उनकी मूवी आजाद। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं अपना ड्रामा एक लिख रहा हूँ, मैंने काफी काफी हद तक लिखा है, वो भी मैंने आप ही को सिर्फ रिवील किया, अभी तक किसी को मैंने बताया नहीं है। वाओ, ब्रेकिंग न्यूज़। वो स्टोरी मैंने खुद लिखी है वर्ड बाय वर्ड, बहुत अच्छा ड्रामा है। इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर, अर्ली नेक्स्ट ईयर उसकी शूटिंग स्टार्ट करूंगा और उसके 8-10 एपिसोड मेरे चैनल पे लगेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारी आपके लिए दुआएं, रियली मैं बहुत एंजॉय करती हूँ आपकी और नीली की वीडियो। आप दोनों खुश रहिए, इसी तरह एंटरटेन करते रहे, ज्यादा से ज्यादा और टॉप पे जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।